हिंदी सिनेमा में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें लोगों ने सिर्फ माँ के किरदार में ही देखा है। इंडस्ट्री का जानी मानी इस एक्ट्रेस ने भी माँ के किरदार निभाकर ही अपनी पहचान बनाई। बॉलीवुड की ये फेवरेट माँ रह चुकी है। इंडस्ट्री में अपनी बेमिसाल एक्टिंग से माँ के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर जीवन करने वाली ये एक्ट्रेस पहली बॉलीवुड सुपरमैन भी रही है। अपने दौर की वो जानी मानी एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि एक्टर निरूपा रॉय है। अपने करियर में उन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और विनोद खन्ना जैसे कई स्टार्स की मां के रूप में ही अपने अक्सर देखा होगा। निरूपा रॉय बॉलीवुड की सुपरमैन भी रह चुकी है। इनके निभाए मां के किरदारों को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। ये जब जब मां बनकर पर्दे पर आई, लोगों ने ममता मई चेहरा देखकर इनकी खूब तारीफ की। एक बार तो एक्ट्रेस जेल जाते जाते बची थी। निरूपा रॉय ने साल 1946 में गुजराती फिल्म रनक देवी से अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने हिंदी फिल्म अमर राज में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में खूब वाहवाही लूटी। साल 1953 में आई फिल्म दो बीघा जमीन में तो निरूपा के अभिनय को न सिर्फ नया आयाम दिया बल्कि उन्हें हिट हीरोइन के रूप में स्थापित किया था। निरूपा रॉय ने अपने करियर में ज्यादातर मां के ही रोल निभाए। मेकर्स उन्हें हर फिल्म में मां के ही रोल दिया करते थे। मां के रोल में उनका कोई सानी नहीं था। साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार निरूपा की खास फिल्मों में से एक रही। यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। इंडस्ट्री में तो उन्हें बिग बी की मां के रूप में भी अलग पहचान मिल गई थी। फिल्मों में अक्सर पवित्र देवी और दयाबान माँ के किरदार निभाने वाली निरूपा रॉय उस वक्त सुर्खियों में छा गई थी जब उनके छोटे बेटे की पत्नी उना रॉय ने उन पर उनके बेटे पर दहेज मांगने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते केस दर्ज करवाया था। उनकी बहू ने उन पर कई संगीन आरोप लगाए थे। इसके चलते निरूपा रॉय और उनके परिवार की जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। बता दें कि साल 1960 में निरूपा रॉय ने मां के रोल के इतर अनंत ठाकुर के डायरेक्शन में बनी सुपरमैन फिल्म में सुपरमैन का रोल निभाया था। इस फिल्म में हेलेन, जयराज और टुनटुन जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे। इस रोल के जरिए वो बॉलीवुड की पहली महिला सुपरमैन बनी थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।